नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, एक बार फिर से हम आए हैं नरेश हेटा जी के एप्पल ऑर्चर्ड में। इनका ऑर्चर्ड 7600 फीट एलिवेशन में सिचुएटेड है और इनके पास जो रूट स्टॉक है वो है M9 और जो वैरायटीज़ है वो हैपके, किंग रॉट, रेड कान और डार्क वेरन गाला, ग्रैनी स्मिथ, इस तरह की वैरायटी M9 पे लगी है। तो इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि जो ये M9 की प्रूनिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। हेटा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर रूट स्टॉक की बात करें M9 की, तो किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए प्रूनिंग करते टाइम? जैसे अगर हम M9 की बात करें तो M9 पे सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है वो है टॉल स्पिंडल। ओके। हाँ, फिर जैसे आपने प्लांटेशन की है, आपकी डेंसिटी कितनी है उस हिसाब से, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा क्लोज नहीं लगाना चाहते, थोड़ा दूर रखना चाहते, तो आपको वर्टिकल एक्सिस पे भी काम कर सकते हैं। ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे टॉल स्पिंडल और वर्टिकल एक्सिस एक्चुअल में क्या होता है? जो टॉल स्पिंडल है, टॉल स्पिंडल एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि आप जितना प्लांट को हाई डेंसिटी पे लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें ट्रेनिंग के लिए आप टॉल स्पिंडल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर सुपर स्पिंडल भी है, उसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा खर्चा आप बढ़ जाता है आपका, बट जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन है वो टॉल स्पिंडल M9 पे सबसे अच्छी रहती है। ये किस तरह से किया जाता है टॉल स्पिंडल मेथड, मतलब ब्रांच इसमें थोड़ी बेंड रखनी पड़ती है हमें? हाँ, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसमें कहेंगे कि एक तो इसमें कोई भी ब्रांच परमानेंट नहीं है, सब रिन्यूअल पे डालनी पड़ेगी आपको। ओके जी। और दूसरा, इसमें जो बेंडिंग होती है वो बिलो हॉरिजेंटल करनी पड़ती है। ओके जी। हाँ जी, कुछ एक चीज़ें हैं इसमें जो मतलब जिस पे मेन फोकस करना पड़ता है। हाँ, एक सबसे ज़रूरी जो बात है कि हम दो सिस्टम को एक प्लांट पे या मतलब इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप वर्टिकल एक्सिस की बात करें और टॉल स्पिंडल की, सिलेंडर स्पिंडल की, सुपर स्पिंडल की, हम इन सब को एक प्लांट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। अगर आप किसी ब्लॉक में वर्टिकल एक्सिस करते हैं तो उसमें आप टॉल स्पिंडल यूज़ नहीं कर सकते। ओके। और अगर प्रूनिंग का जैसे आजकल चला है टाइम, तो किन क्या आपको लगते हैं जो बेसिक पिलर्स है M9 के लिए प्रूनिंग के? हाँ, प्रूनिंग के देखो, अगर हम टॉल स्पिंडल की बात कर रहे हैं तो उसके जो मेन प्रिंसिपल है हमारे को उसी पे फोकस करना है। ओके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चाहे सीडलिंग का है या किसी और इस पे है, मैं उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ओके। इसमें जो टॉल स्पिंडल के जो भी प्रिंसिपल है हमें उसी पे ही फोकस करना, नहीं तो हम बिग फेलियर की तरफ कभी भी जा सकते। ओके। मैं आपके प्लांट्स भी देख रहा था अभी, कुछ एक प्लांटेशन शायद 2019 में की थी आपने, 2-3 साल के प्लांट्स भी, और 18 में शायद की होगी जी। तो इसमें किस तरह से प्रूनिंग आप करते हो आजकल, वो ज़रा थोड़ा हमें आप बताएं और बागवान भाइयों आपको भी दिखाएंगे हम कि ये किस तरह से प्रूनिंग करते हैं M9 की। हेटा जी, हम आपके ऑर्चर्ड में इस टाइम, तो आप हमें बताइए कि जो आप प्रूनिंग करते हो वो किस तरह से करते हो, और ये जो आपने बताया ना टॉल स्पिंडल और वर्टिकल एक्सिस, ये थोड़ा डिटेल में समझाओ। हाँ, जब हम टॉल स्पिंडल की बात कर रहे हैं तो टॉल स्पिंडल के कुछ एक जो मेन प्रिंसिपल है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। हाँ जी। तो सबसे पहले जो मेरा माइंड में रहता है कि इसमें रिन्यूअल पे जो डालना है, किसको डालना है और किसको नहीं डालना है, तो जिस ब्रांच को मैं रिन्यूअल पे डालूँगा उसमें दो चीज़ें मैं ध्यान में रखूँगा कि एक तो उसका जो लीडर के अगेंस्ट जो डाया है उस ब्रांच का, वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। तो जो ब्रांच मेरे लीडर के डाय के 50% से ज़्यादा जा रही है उसको मैं रिन्यूअल पे डालूँगा। ओके जी। और दूसरा है कि रिन्यूअल पे डालूँगा तो कौन सा कट लगाऊँगा वहाँ पे? ठीक है। हाँ जी। उसमें 2-3 कट है, स्टब कट, डच कट और एक बेवल कट। मैक्सिमम क्या
होता है कि हम स्टब कट यूज़ करते हैं, बट वो मैं उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि स्टब कट क्या होता है कि उसमें बीमे की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ओके, हमने ब्रांच को रिन्यूअल पे डालना है तो वहाँ पे या तो हम डच कट डालेंगे या हम बेवल कट डालेंगे। अगर हम ब्रांच को देखें, ये ब्रांच थोड़ी सी लीडर के 50% तक पहुँच गई है। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पास इसमें ब्रांचें काफ़ी है तो मैं इस साल इसको रिमूव करोगे आप? हाँ, रिन्यूअल पे इसको डालूंगा। okay. अच्छा, डिपेंड करता है कि मैं रिन्यूअल कट कहाँ होगा, इसको मैं डच कट डालूं या फिर बेवल कट डालूं या फिर स्टब कट डालूं। ओके जी, तो उसके लिए क्या जो मेरे माइंड में रहता है कि अगर ये ब्रांच एक क्रॉच एंगल के साथ खड़ी जाती है तो मैं उसको डच कट से डालूंगा। ओके जी, अगर ये ब्रांच अच्छा एंगल दे रहा है, ब्रॉड एंगल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बेवल कट से डालूंगा। अगर मैं इसको स्टब कट देता हूँ तो उसका जो नुकसान होगा कि यहाँ से जितने भी पीछे फॉर्मेशन है बीम होगी वो एक साथ स्प्राउट करेगी। ओके, बट हमारे को चाहिए एक ब्रांच और वो भी चाहिए बॉटम से। अगर मैं स्टब कट देता तो उसका नुकसान क्या रहता है कि वो ऊपर की ब्रांच भी निकाल सकता है, तो मैं इसको हमेशा इसको जो हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कट कहाँ देना है। ओके, जितना क्लोज मैं कट दूंगा, हाँ जी, हाँ जी, उतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकलेगी। अगर मैं इसको क्या रहता है कि ज्यादा दूर दूंगा तो उतनी वीक ब्रांच निकलेगी। okay. तो मेरे को स्ट्रॉन्ग ब्रांच नहीं चाहिए, मैं मेरे को यहाँ पे वीक टहनी चाहिए इस तरह की, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हल्का सा इसको टिल्ट करके इस तरह से कट दूंगा। ओके ओके, अब क्या करेगा ये, सबसे ज्यादा जो इसके बॉटम में जो आई है उसको ज्यादा स्प्राउट करेगा बजाय जो ऊपर के हैं। ओके, क्योंकि ऊपर की ब्रांच निकलेगी तो वो मैनेज करना मुश्किल होगा। ओके ओके, तो सबसे मेन चीज है कि आप कौन सा कट लगा रहे हैं और वो कितनी दूर होना चाहिए। ओके जी, मैं ना इसको ना ज्यादा नजदीक दूंगा और ना ही ज्यादा दूर दूंगा, ताकि मेरे को एक अच्छी सी नेक्स्ट ईयर के लिए फेदर आ जाएगा। फिर आप उसको बेंड करोगे फिर? हाँ, नेचुरली फिर जब ये बेंड निकलेगा तो वो पहले ही वो इसी डायरेक्शन में निकलेगा, बट फिर भी मैं उसको जब वो अपनी हाइट ले लेगा, जब बेंड कब करना है सबसे जरूरी ये चीज़ है। और अगर मैं टॉल स्पिंडल की बात करूँ तो मेरे पास 3 फीट पे प्लांट लगा है, तो 3 फीट में जब मेरी ब्रांच, कोई भी ब्रांच 18 इंच तक हाँ जी अपनी लंबाई ले लेगी तो मैं उसको बैंड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको ज्यादा बढ़ने देता हूँ, 3 फुट तक ले जाता हूँ, तो क्या होगा कि वो पीछे डेड वुड तैयार करेगी। ओके, इसलिए ब्रांच की बेंडिंग उसी टाइम शुरू होनी चाहिए जब तक उसने अपनी हाइट पूरी ले ली है। मतलब वो 18 इंच का पूरा ले ली, अपनी लंबाई ले ली है, उसी टाइम उसको मैं बिलो हॉरिजेंटल बैंड कर दूंगा। ये मतलब टॉल स्पिंडल है बिलो हॉरिजेंटल? हाँ जी। ओके, हाँ, अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस के लिए सबसे पहले तो मुझे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम से कम 5 या 6 फीट चाहिए। 5 या 6 फीट, हाँ जी। अगर M9 पे भी करना है? हाँ, M9 पे भी होता है, बट उसमें क्या होता है कि आपका जो फेदर्स, जो बॉटम के फेदर्स है वो परमानेंट रहेंगे। ओके जी, और जो ऊपर के फेदर्स है उसको आप रिन्यूअल पे डालेंगे। ओके ओके, अब क्या होगा कि जब मैं बॉटम के फेदर को परमानेंट रखूंगा तो उसका जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं 3 फीट पे वर्टिकल एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम उसके लिए 5 फीट की आपके पास एटलीस्ट दूरी होनी चाहिए दो प्लांटों के बीच की। और जो ये आपने ब्रांच रिन्यूअल में डाली है ना, तो ये इसमें कोई भी ब्रांच मतलब परमानेंट नहीं है? M9 पे कोई भी ब्रांच परमानेंट नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि क्या है, इसमें क्या रहता है कि जितनी बड़ी ब्रांच जाएगी उतना बड़ा पेड़ जाएगा। तो हमारे को पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं ले जाना, इसलिए हम ड्वार्फ रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं। और अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब आप प्रूनिंग करते हैं M9 पे, वो है शेप। आपके प्लांट की क्या शेप रहेगी? हाँ जी, हाँ जी। मैक्सिमम जितना भी देखेंगे आप, जितने भी रूट स्टॉक या सीडलिंग पे, जितने भी सिस्टम पे आप काम करते हैं, तो उसमें जो कॉनिकल शेप है, पिरामिड शेप है, उसको बेस्ट माना जाता है। ओके,
जो भी शेप प्लांट की रहेगी। जी बट जो M9 की मैं सुपर टॉल स्पिंडल की बात करें तो उसमें सिलेंड्रिकल शेप बेस्ट रहती है। ओके मींस इसमें ना कोई ज़्यादा बड़ी ब्रांच होगी, इसमें एक एक समान की ब्रांचें ऊपर से नीचे तक रहेगी, बट ब्रांचों की जो लेंथ है हमने 1.5 फीट से ज़्यादा, 1.5 या 2 फीट में कंट्रोल उसको करना है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं ले जानी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं। हाँ, तो जब हम रिन्यूअल पे डालेंगे तो उसकी दो कंडीशन है कि लीडर से 50% जो मोटा हो जाए उसको रिन्यूअल पे डालो, या जिस ब्रांच ने 2 से 3 फीट की दूरी ले ली है उसको रिन्यूअल पे डाल देना है। जैसे ये जो नीचे ब्रांच इसको भी आप रिन्यूअल में डालोगे? इसको भी मैं रिन्यूअल पे डालूंगा, क्योंकि क्या है ये थोड़े से मेरे जो मेरा घुटना है घुटने के बराबर है, ये कल दिन को मेरे को ये दिक्कत कर सकती है, और इसलिए मैं एक मोटी भी हो गई है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, तो इसको भी मैं रिन्यूअल पे इस साथ डालूंगा, क्योंकि मेरे पास इसमें सफिशिएंट फेदर्स है, तो एटलीस्ट मैं 2 या 3 इसको रिन्यूअल पे डालूंगा। ओके। उसमें मैं बेवल कट से इसको रिमूव करूंगा। ओके। बस इस पेड़ में मतलब 2 ही ब्रांच आप इसमें डालोगे रिन्यूअल? हाँ, नहीं, एक और चीज़ है इसमें जो पैरेलल ब्रांचेज जा रही है आपकी, अच्छा, चाहे वो 1 ईयर वुड है, चाहे 2 ईयर वुड है, चाहे 3 ईयर वुड है, इसको भी मुझे रिन्यूअल पे डालना पड़ेगा एक, क्योंकि ये हमेशा जब भी फ्रूटिंग देगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें से कोई भी डाल दो? हाँ, इसमें से जो मेरे को ज्यादा दिक्कत, जैसे अगर मैं ऊपर की ब्रांच काटता हूँ, हाँ जी, बट ये निचली ब्रांच इसके साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है। हाँ, ओवरलैप कर रही है, तो मैं इसलिए इसको निचली ब्रांच को इस पे रिन्यूअल पे डालूंगा। ओके, हाँ, एटलीस्ट मैं एक साल में इसमें 2 या 3 ब्रांचे उस पे रिन्यूअल पे डालूंगा। अच्छा, दूसरा जो मेन फोकस रहता है टॉल स्पिंडल में वो है ब्रांचों का कॉलमनाइजर। हमने इसको कॉलमनर ब्रांचे लेनी है, मींस सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी, इसमें जो भी ब्रांचे जैसे नीचे ऊपर जा रही है उसमें जो पीछे बीमे निकले हैं वो थोड़े से लंबे हो गए, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाना है, हमेशा कॉलम की तरह इसको रखना है। तो उसको कॉलमनाइजिंग करने के लिए मेरे को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ब्रांच है इसकी बात करें तो हमने इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको हमने यहाँ पे मैं स्टब कट का यूज़ करूँगा। तो ये हल्की सी जो पिन थी ना आपने कट की है, ये क्यों की है आप ये बताओ? हाँ, ये इसलिए की है कि ये कॉम्प्लेक्स पैदा कर रही है, यहाँ से जो मेरा ये जो ब्रांच थी, ब्रांचों को कई मतलब ये सेकंड डायरेक्शन में ले जा रही थी। ओके ओके, जो मेरी डायरेक्शन है वो सिंपल रहनी चाहिए, और इसमें हमेशा जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको हमने क्लियर करना है। ओके जी। अच्छा, सेकेंड आता है इसमें क्लिक, इसमें जो क्लिक प्रूनिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट, उसका भी रोल है क्लिक प्रूनिंग। जैसे मेरी ये ब्रांच की मैंने इसको, इसने एटलीस्ट 2 फीट क्रॉस कर लिया, तो मैं इसको कहीं ना कहीं इसको क्लिक प्रूनिंग से रिमूव करूंगा, इसके लीडर को हेड बैक दूंगा। तो क्लिक प्रूनिंग में क्या करूंगा मैं कि इसके जो 2 या 3 बड्स है वहाँ पर मैं इसको सीधा कट दे के स्टॉप करूंगा। मतलब ये हेड बैग इसमें ब्रांच में करना है, लीडर बोला ना आपने? हाँ, ब्रांच जो उस ब्रांच का लीडर है कहीं ना कहीं क्लोज करने के लिए मैं उसको 2 या 3 पे क्लिक करूंगा। ओके, उसको तो ये आगे ज्यादा ग्रोथ नहीं ले लेगा? अब ये ग्रोथ नहीं लेगा, क्या करेगा ये 2-3 जो यहाँ पे बर्ड्स है वो एक साथ स्प्राउट करेंगे और मैक्सिमम फोकस पीछे को फेंक देंगे, यहाँ कंपटीशन आ जाएगा और जो पीछे के जो ये बर्ड्स है ये सारे फ्रूटिंग बर्ड्स है, और मैं इसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद एटलीस्ट 4 या 6 इंच के डिस्टेंस के बाद में एक फ्रूट इसमें लूंगा। अच्छा, आप ये बताएं कि जो ये प्लांट है कितनी साल पुराना है और ये वैरायटी कौन सी है? ये 2019 में लगाया था। हाँ जी। और ये हैपके है। ओके ओके। काफ़ी अच्छी विगर है इसमें और 2 साल में इसने टॉप वायर को क्रॉस कर लिया है। मतलब इसमें कितने फैदर होंगे अभी टोटल? अगर फैदर की बात करें तो 20 के आसपास इसमें फैदर है, और इस साल मेरे को ये 1.5 बॉक्स आराम से प्रोडक्शन पे दे देगा। मतलब 2 साल का प्लांट है अभी ये? हाँ जी। ओके, आप एक प्लांट वो दिखा रहे थे M9 का जिसका ग्राफ्टिंग पॉइंट बिलो नीचे चला गया काफ़ी सॉइल से, तो उसके बारे वो भी दिखाए ज़रा हमें। हाँ। ओके बेटा जी, जो हम M9 की प्लांटेशन करते हैं उसमें जो ग्राफ्टिंग यूनियन है वो हमें सॉइल से कितना ऊपर रखना चाहिए, और अगर हम सॉइल से नीचे उसे रखते हैं तो उसका क्या गलत असर हमें पड़ सकता है हमारे प्लांट्स के ऊपर?
ये है तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो साइड इफेक्ट है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ जी। मैक्सिमम क्या रहता है कि गाला, जो भी हमारा ट्री है गाला है, डिलीशियस है, हमने उसको सॉइल से 2 से 3 इंच ऊपर रखना होता है। ओके जी। बट अगर आप नहीं रखते ग्राफ्टिंग यूनियन को, आप इस पे सॉइल से टच करते हैं, तो ये देखिए आप इसने कितना एक स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे रूट जोन फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ये देखो कितनी मोटी, अभी 3 साल का प्लांट है, 2018 में ये प्लांट हुआ था। हाँ जी। और इसने क्या कर दिया है कि यहीं से इस रूट फॉर्मेशन शुरू कर दी है, और ये रूट फॉर्मेशन होगी वो काफी विगरस होगी। ये M9 का एक्चुअली। हाँ, M9 का है और ये 111 की तरफ बिहेव कर रहा है। अगर आप प्लांट को देखें तो इसने सारे फेदर्स को, जितने भी इसमें फ्रूटिंग स्पर थे, सबको वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ले गया है। हाँ जी। अगर जो मैंने इसको यहाँ से प्रून किया है, ये देखिए। हाँ जी। आपने यहाँ से जो ब्रांच थी, अब देखिए ये कितना इसको 4 फुट तक ये आगे ले गया है, और इसमें जो ये फ्रूटिंग स्पर थे उसको सबको वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ले गया है। तो इसमें क्या इशू हो गया कि इसमें स्पर फॉर्मेशन बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ये सेकंड ब्रांच को देखो आप, तो ये देखिए इसमें सारे जो फ्रूटिंग स्पर थे उसको कहीं ना कहीं इसने 1-1.5 फुट की ग्रोथ पे ले गया है, और इसमें स्पर फॉर्मेशन काफ़ी मुश्किल, हमने पिंच किया है इसको टाइम टाइम से, बट फिर भी हम इसको ग्रोथ को नहीं रोक पाए। ओके जी। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो आपकी फर्स्ट ईयर की ग्रोथ है, तो इसने फर्स्ट ईयर में ही जितने भी नए फेदर्स निकले हैं वो सबको 1.5 से 2 फुट पहले ही साल ले गया है। इसको टाइम से हमने बैंड भी किए थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विगरस हो जाता है, काफ़ी विगरेसली रन कर रहा है। मतलब जैसे बोलते भी है कि M9 का करेक्टर चेंज हो जाता है अगर ग्राफ्टिंग यूनियन। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्राफ्टिंग यूनियन को सॉइल से टच करते हैं तो वहाँ पे रूट जो फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी विगरस होगी। हाँ, इसमें जो रूट जोन होगा नीचे वो काफ़ी विगरसली करेगा, क्योंकि आप M9 पे हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्लांट को मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि जितने भी इसमें ग्राफ्ट यूनियन है, हमने उसको सबको 2 या 3 इंच ग्राउंड लेवल से ऊपर रखना ही रखना होता है। ओके जी। हेटा जी, मैं देख रहा था आपने जो ये ब्रांच है, ये 2 ब्रांचें इस ट्री में प्लांट में कट की है जी, तो अगर जो ये नीचे वाली ब्रांचे है अगर हम इसे परमानेंट रखें, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, इसे हम परमानेंट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हाँ, इसका जो सबसे ड्रॉबैक रहेगा वो क्या रहेगा कि ये अगर आप इसको देखो तो अभी 2 साल में इसने कितना विगर ले लिया है। हाँ जी। और अगर हम इसको और छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अनमैनेजेबल हो जाएगा, और हम इस प्लांट को इतना बड़ा होते देखेंगे कि ये हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब ये देखिए सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, जो इसमें जो स्पर फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में चली जाएगी, और इसमें जो फ्रूटिंग स्पर है या फ्रूट की क्वालिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। okay. क्योंकि सारी इसकी जो एनर्जी है वो इस पर ग्रोथ पे चली जाएगी। सारा फोकस ग्रोथ पे रहेगा, और जो हमारी क्वालिटी स्पर फॉर्मेशन प्लस जो हमारी फ्रूट क्वालिटी वो काफ़ी लो रहेगी। तो जो नीचे वाली ब्रांचेज है मतलब वो परमानेंट हमें नहीं? हाँ, वो परमानेंट टॉस स्पिंडल में कोई भी ब्रांच परमानेंट नहीं है। इसमें क्या रहता है, हमारे पास 1 ईयर वुड भी चाहिए, 30% 1 ईयर वुड चाहिए, 30% 2 ईयर वुड चाहिए, 30% 3 ईयर वुड चाहिए। ओके जी। 3 ईयर वुड के बाद या 3 या 4 ईयर के बाद हम उसको रिन्यूअल पे डालना शुरू करेंगे। हमारा एक बैलेंस बना रहेगा ताकि ये जल्दी मैच्योरिटी की तरफ ना जाए, इसलिए हमने इसको बैलेंस पे रखना है। 1 ईयर वुड, 2 ईयर वुड, 3 ईयर वुड सबको मैनेज करना है, इसलिए हर साल हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको रिन्यूअल पे भी डालते रहना है। और जो ये ब्रांच है, कौन सी ब्रांच किस टाइम रिन्यूअल में डालनी है, वो कैसे हमें पता लगेगा? हाँ, उसमें जो रहता है वो क्या है कि हमने मेन फोकस, सबसे पहला तो जो मैंने कहा था कि ये जब भी आपको लगे कि 3 फुट क्रॉस हो चुकी है तो उसको रिन्यूअल पे डालना है। हाँ जी। या उसका डाया, जो ब्रांच का डाया है, लीडर के 50% से ज़्यादा चला गया है। हाँ जी। या लीडर जो ब्रांच है उसका डाया 1 इंच से ज़्यादा चला गया है। ठीक। तो उसको हमने रिन्यूअल पे डालना ही डालना है। ओके जी। तो वर्टिकल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं जी,
तो उसमें जो नीचे वाली ब्रांचेज है लोअर पोर्शन वाली वो परमानेंट रहेगी जी। वर्टिकल एक्सिस में क्या रहता है कि हमारा जो ट्री का शेप रहेगा वो रहेगा कॉनिकल। हाँ जी, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो निचला, क्योंकि हमारे पास जो प्लांटेशन हुई है वर्टिकल एक्सिस में वो कम से कम 6 फीट में प्लांट लगा है आपके, तो 6 फीट में हमारे पास 3-3 फीट दोनों तरफ हम ब्रांच को ले जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो लोअर पोर्शन है उसको आप परमानेंट रखेंगे और जो अपर का पोर्शन है उसको रिन्यूअल पे डालते रहेंगे, क्योंकि हमने ट्री को इसको कॉनिकल शेप में मैनेज करना है। okay. एक पिरामिड की तरफ, क्योंकि उसमें जो हमारा जो सन पेनिट्रेशन है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, धूप हमारी हर एक तक पहुंचे। अगर हम सुपर टॉस स्पिंडल की बात करते हैं तो टॉस स्पिंडल में हमने कॉनिकल शेप मेंटेन नहीं करनी M9 पे, हमने क्या करना होता है इसमें कि इसमें जो भी है सिलेंड्रिकल शेप में इसको मैनेज करना है। ओके जी। इसमें डेढ़ या 2 फीट से ज्यादा हमने ब्रांच को नहीं जाने देना है। जैसे ही सपोज करो, यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ, अगर सपोज करे जो नीचे वाली ब्रांचेज है इस प्लांट की अगर वो परमानेंट होती तो उसके क्या हमें रिजल्ट? हाँ, उसका रिजल्ट ये, एक तो आप हाई डेंसिटी पे है तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपकी ब्रांच जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो उसमें साइड की जो सेकेंडरी स्कफल्ड वो ज्यादा बनेंगे, सेकेंडरी ब्रांचेस बनती जाएगी और स्पर फॉर्मेशन कम होगी। बिग ब्रांच मींस बिग ट्री। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने यहाँ पे बिग ट्री नहीं ले जानी, हमने ड्वार्फ रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं, हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं। हमने क्या रखना है कि इसको जो प्लांट हमारा बने हमारे को एटलीस्ट 80 से 100 फ्रूट हमने उससे हर साल लेने हैं। okay. तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इसलिए हम इसको ड्वार्फ रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं। ओके जी। और जो आपने जैसे टॉल स्पिंडल की बात की ना, उसमें हमें हेड बैक करनी होती है ब्रांचेस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी ब्रांचेज है उसको हम कहीं ना कहीं, जैसे ये सेकेंड ईयर वुड है, हाँ जी, सेकेंड ईयर में हमने इसको क्लिक प्रूनिंग से इसको कहीं कंट्रोल करना है, इसमें ये आगे ग्रोथ नहीं लेगा। हाँ, अब ये ग्रोथ लेगा तो लेगा बट उतनी नहीं लेगा, ये इसका सारा का सारा जो फोकस रहेगा अब पीछे स्पर फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। इसमें जो स्लीपिंग आइज है उसको कहीं ना कहीं वो बाहर खोलेगा, मतलब ये नहीं है कि सीडलिंग की तरह की आगे ज्यादा ग्रोथ ले लेगा। ग्रोथ लेगा। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो हमने हेड बैक देना है, या कभी ब्रांच ने अपना हाइट ले ली है तो जो थर्ड ईयर वुड है उसको कहाँ पे हमने क्लोज करना है। थर्ड ईयर वुड का क्या रहता है कि इसमें स्पर फॉर्मेशन हो चुकी होती है, तो हमने उसको क्या होता है कि एक आपका जो पेंडुलम, आपका जो स्पर फॉर्मेशन हुई है उस पे हमने उसको पीछे ले जाना है। मतलब क्या पेंडुलम? क्या रहता है कि जो अपवर्ड ग्रोथ ना कर रहा हो वो थोड़ा डाउनवर्ड ग्रोथ में है, उससे क्या होगा कि उसमें वो नेचुरल वे में अपना विगर को, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। ओके जी। जैसे हमारे पास पेंडुलम कहीं भी रहता है, अगर आप इसकी बात करें तो ये जो निचली ब्रांच है ये जो है यहाँ पे जो थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, हमने इसको यहाँ पे कंट्रोल करना है इस तरह से, ताकि जो भी पेंडुलम बीमा है, जैसे सपोज करें ये है तो इसमें अगर हम इस पे रखते हैं, इसे इस पे थोड़ा वीक पे डालते हैं तो क्या करेगा ये फिर भी ग्रोथ में जाएगा क्योंकि अपवर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। या तो हम साइड का फेदर लेंगे, साइड का जो स्पर है उस पे इसको वीक पे डालेंगे। okay. बट अपवर्ड पे हमने इसको कभी नहीं डालना है। ओके जी। तो आप हमें गाला के बारे में भी बताइए, जो गाला के आपके पास प्लांट है वो काफ़ी विग्रस वैरायटी है अगर देखा जाए। गाला अगर हम M9 के ऊपर लगाते हैं तो काफ़ी विग्रस ग्रोथ हो जाती है उसकी, तो उसे किस तरह से कंट्रोल करना है और प्रूनिंग उसकी किस तरह से करनी है उसके रिगार्डिंग कुछ हमें वो भी गाला और प्लांट भी दिखाए। गाला अपने आप में विगरस वैरायटी है बट M9 पे कहीं ना कहीं कंट्रोल हम उसको कर सकते हैं, तो बट उसका जो प्रूनिंग रहता है वो थोड़ा सा अलग है। अगर गाला की बात करें तो हम डिलीशियस में विंटर प्रूनिंग से कंट्रोल करते हैं, बट गाला को समर प्रूनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। समर में हमने उसको कंट्रोल करना है, समर में जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने विगर को कंट्रोल करता है। okay. मैं आपको गाला का प्लांट दिखाता हूँ। ये गाला का प्लांट है, 2019 में प्लांट हुआ है। okay. 2 साल का है, तो आप देख लीजिए इसने 2 साल में ये अपना कितना विगरस जो ब्रांच निकाली है। हाँ जी। तो इसको कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो मैं इसको, ये लीडर के आधे से ज़्यादा हो चुका है इसको, ये मतलब 50% मान के चलिए। हाँ,
ओके, इसको मैं बेवल कट से थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, रिन्यूअल पे डालूँगा। हाँ जी, ओके जी। और अब ये देखिए गाला ने 2 साल में कितना विगर ले लिया भी है। वो वाला अगर मान के चलेगी, अगर ये परमानेंट रखते ये वाली ब्रांच, हाँ। तो आप देखिए इसका क्या हाल हो गया। हाँ। जो स्पर है वो कन्वर्ट हो गया है, बस वही इसमें ग्रोथ वही आपके सामने है। बट फिर भी देखो कहीं ना कहीं हमने इसकी जो कंट्रोल की थी इसकी फिगर को, इसमें थोड़ा सा हमने इसको समर में थोड़ा सा यहाँ पे पिंचिंग करके इसको काफ़ी कंट्रोल किया है। बट जो इसका नेचर है कहीं ना कहीं इसने इसको काफ़ी विगरस बनाया है। बट इसमें क्या रहता है कि इसमें जो आपके फैदर से मैक्सिमम फैदर निकले और उसको टाइमली बैंड करें, क्योंकि इसका सबसे इशू क्या रहता है कि इसका जो अगर एक बार क्रॉन्च एंगल बन गया, आप उसको कभी रिमूव नहीं कर सकते, उसको कभी भी बैंड नहीं कर सकते। तो उसको क्रॉच एंगल को आपने शुरू में ही तोड़ना है और इसको टाइमली बेंड करना है। ओके जी। अगर हम टाइमली बेंड नहीं करेंगे तो इसने एक तो ये डेडवुड तैयार करेगा, ये सारा डेडवुड अगर ये विगरस में चला जाएगा और पीछे ये अपने आइज को क्लोज कर देगा और डेडवुड पीछे तैयार होगा। ओके, तो जितने यहाँ देखें आप जितना टाइमली क्लोज होएगा, तो इसने अपनी परफॉर्मेशन देखिए आप यहाँ पे कितने स्पर्स निकाले। इसको हमने टाइमली बेंड करना है। ओके, गाला को कभी हमने खुला नहीं छोड़ना है, इसको 1-1.5 फुट के बाद ही इसको बिलो हॉरिजेंटल कंट्रोल करना है। उसके बाद भी ये देखो हमने इसको बिलो हॉरिजेंटल यहाँ पे किया था, उसके बावजूद भी इसने कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ हैबिट को नहीं छोड़ा है। बट अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि इसमें जब फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी तो फ्रूटिंग के बाद ये कंट्रोल आराम से हो जाएगा। बेटा जी ने अभी हम सभी को बताया कि किस तरह से ये प्रूनिंग करते हैं अपने M9 ब्लॉक में। बेटा जी एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो आपने हाइट रखी है अपने इसकी M9 प्लांट की, वो आप कितना रखोगे, पूरी हाइट कैसे मैनेज करोगे उसको? अगर टॉल स्पिंडल में देखें तो टॉल स्पिंडल में आपका जो मेन डिस्टेंस है रो का, उसके अकॉर्डिंग टू आपकी प्लांट की हाइट रखी जाती है। अगर आप रो का डिस्टेंस 9 फीट रखा है तो आपको जो वो हाइट है वो कहीं ना कहीं आपको 8-9 फीट के बीच रखनी पड़ेगी। अगर आप 12 फीट रखते हैं तब कहीं ना कहीं आपको 10 फीट आपकी जो प्लांट की हाइट रहेगी, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि अगर आप थोड़ा क्लोज आते हैं तो वो क्या करेगा, जो आपका लोअर पोर्शन होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वालिटी में पीछे रहेगा। सेब जो लोअर कनोपी में जो आपका फ्रूट आएगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रो की शेडो से वो उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप जब इसका आप जब प्लांट आपके अचीव हो जाएगी इसकी हाइट, तो वो आप किस तरह से कंट्रोल करोगे? हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि समर में आप उसको कंट्रोल करो। समर में जो आपका वीक शूट जो भी आपकी जहाँ तक आपने प्लांट को ले जाना है वहाँ पे जो भी आपका वीक ब्रांच है, वीक शूट है या फ्रूटिंग स्पर है या फ्रूट लगा है, वहाँ पे आप उसको कंट्रोल करो। तो समर में आप उसको कंट्रोल करेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज विंटर में आपको या तो उसको जो आपका लीडर है उसको बेंड करना पड़ेगा बिलो हॉरिजेंटल, या आपको उसको वीक पे डालना पड़ेगा। बट अगर आप विंटर में वीक पे डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे जाएगा। हाँ, अगर समर में आप उसको कंट्रोल करते तो वो एकदम अपने आप को कंट्रोल करेगा और वहीं पे ही वो मैनेज हो जाएगा। हाइट कंट्रोल करने के लिए आपने बोला कि लीडर को आप थोड़ा बिलो हॉरिजेंटल रखोगे, तो उसमें नए शूट्स आएंगे तो उसे किस तरह से मैनेज हमें करना होता? हाँ, मैंने वही कहा जैसे आपका जो टॉप वायर है तो आपने लीडर को उसको उसके साथ टाई कर देना है। तो टाई करके वो क्या होगा कि जो उसमें थोड़ी सी पीछे जितने भी स्लीपिंग बर्ड्स है वो कहीं ना कहीं स्प्राउट करेगी। ओके। और उतनी तो नहीं करेगी बट क्योंकि उसमें मैक्सिमम जब 3-4 आइज को वो स्प्राउट करेगा तो ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो उसमें उतनी ग्रोथ नहीं आएगी। हाँ, फिर क्या करना, आपने नेक्स्ट ईयर उसको जो वीकेस्ट आपका जो जहाँ तक आपने रखना उसको वीक पे वहाँ पे ले लेना। बट अगर आप समर में इसको कंट्रोल करते हैं तो आपको ये इशू नहीं आएगा, प्लांट वहीं पे ही आपका रुक जाएगा। ओके, थैंक यू जी। तो बागवान भाइयों, ये थे नरेश हेटा जी, इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन हम सभी के साथ शेयर की कि ये किस तरह से M9 में प्रूनिंग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।